यहाँ पे तमाम जो जिला से आए हुए डीएसएस के अध्यक्ष और छात्र नौजवान, और यहाँ पे मीडिया के प्रतिनिधिगण जो यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग का भी स्वागत है डीएसएस में, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ में। आज जो हम लोगों ने जो रथ का धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ रथ का जो आयोजन कारगिल चौक से जो किया, और हमने जब कारगिल चौक से जब हम रथ पर बैठे और जितने भी तमाम धर्म गुरु हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन लोगों को बैठाए वहां, फिर वहां से हम लोगों ने रथ आरंभ किया। और रास्ते में जब हम आ रहे थे तो बहुत हुजूम में लड़कों लोग काफी बड़े पैमाने पे लड़के लोगों का, छात्रों का पूरा हुजूम वहां पे सड़क पे मिला। और गर्मी भी सब छात्र लोगों को लग रहा था, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई का नारा दे करके और रथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आप लोग जानते हैं रात दिन टीवी या पेपर के माध्यम से आप लोगों को पता चल रहा है कि अपना जो देश जो है हिंदुस्तान कि केवल किसी एक का नहीं है, ये हिंदूवादी वाले लोग आरएसएस वाले लोग का नहीं है। इसमें जितना हिंदू लोग ने मदद किया, जितना मुसलमानों ने मदद किया, जितना सिखों ने मदद किया, ईसाइयों ने मदद किया, इस सारे लोगों का देश है। और जिस तरीके से समाजवादी शक्ति जो आरएसएस है, आरएसएस से निकलता, जितने भी देख रहे हैं चाहे योगी जी हो गए या नरेंद्र मोदी जी, लोग जितने लोग हैं ये सब हाफ पैंट पहनते थे, घंटा लेकर के लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर देते, ये सब वहां के आरएसएस के। ये लोग जितने तमाम लोग हैं नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, जो नाथूराम गोडसे संत जैसे महात्मा गांधी का हत्यारा, जो हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम जिस तरीके समाजवादी शक्ति पूरे हिंदुस्तान भर में दंगा फसाद करवाने का जो काम कर रहा, उसको रोकने के लिए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोगों ने बीएसएस का स्थापना किया, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ का। और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरएसएस वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना है। और समय समय पर डीएसएस का चर्चा, और डीएसएस को तो बहुत पहले से हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है, अभी आप लोगों ने सुना होगा तमिलनाडु से गोकुलानंद जी और गुजरात से सुनील भाई सोनवानी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोग अपना अपना माध्यम से लोगों ने अपना अपना डीएसएस के बारे में विचार रखने का यहाँ पे काम किया आप लोगों के बीच में कि किस तरीके से डीएसएस का
पूरे स्टेट लेवल में किस तरीके से डीएसएस को सींचा जा रहा है, डीएसएस को उत्थान की ओर ले जाने का काम। अब कई एक हजार लोग मेंबर बनाए हैं गोकुलन जी। हाउ मेनी मेंबर्स इन तमिलनाडु? सॉरी, 10,000 मेंबर्स। रात दिन लोग निकल करके गांव गांव, उधर भी साउथ में गांव वाले लोग घूम घूम के, अब जहां जैसा आरएसएस वाले लोग से भी सामना होता होगा, फिर अपना बुद्धि पढ़ाने का वो लोग काम करता होगा, नहीं ऐसे करो, ये छोड़ो, वो करो, ऐसे करना है, वैसे करना है, सब लगा हुआ, सब आरएसएस वाला सब लगा हुआ है। शर्म नहीं आता है बताइए आरएसएस में? बूढ़ा बुजुर्ग हाफ पैंट पहना हुआ है, हाफ दिमाग है उन लोग का, इसलिए हाफ पैंट पहना हुआ है। हम लोगों ने भी ड्रेस कोड दिया है डीएसएस को। डीएसएस का जो ड्रेस कोड है हम लोग का, वो फुल पैंट है, फुल दिमाग, पूरा दिमाग से, अब पूरी ताकत से, उसमें लाठी भी दिया हुआ है, तेल पिलावन वाला लाठी। और कल से चालू हो गया सबका संगठन का, अब तो ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा डीएसएस का हर एक जिला में, और सब लोग उसके मेंबर बनेंगे। आप भाजपा में देख लीजिए, सब उद्योगपति सब बना हुआ है, आरएसएस में सब उद्योगपति बना हुआ है। अब ये वो ट्रेन में जा रहा था, आरएसएस वाला ट्रेन में लाठी लेकर के जनरल बोगी में चढ़ा हुआ था, ट्रेन में जा रहा था। अब किसी से उसका मुकाबला हो गया, बहुत छिड़ जाता है ट्रेन में, बस में, जहां जहां लोग जाता है सब हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के बैठ गए, बगल में मौलाना जी लोग ही लोग बैठे हुए थे, बहुत छिड़ गया। और उसमें ऐसा ऐसा मौलाना जी ने बोला डीएसएस के बारे में कि हम लोग सब एक है, धर्म निरपेक्ष सेवक संघ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, अपना वक्तव्य इन्होंने रखा, अपना बात रखा उसके सामने, और तुम उठा करके आप भागने लगा हो, वो हाफ पैंट वाला, उसका हाफ पैंट खोला जा रहा है, वो हाफ पैंट ऊपर चढ़ाया जा रहा है, हाफ पैंट खुला जा रहा है, वो हाफ पैंट चढ़ाया जा रहा है, वो भौचक हो गया, फिर उसको अंत में ये मानना पड़ा। और डीएसएस का आज मेंबर है, अब पूरी तरीके से, अब पूरी मेहनत से वो अपना काम कर रहा है, डीएसएस में लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, किसी ना किसी माध्यम से सब जगह, गांव गली सब जगह देखेगा हिंदुस्तान भर में आरएसएस वाला घुसा हुआ, किसी ना किसी माध्यम से उल्टा पुल्टा काम करता है, केवल हिंदुत्व का मुद्दा, चुनाव आ गया तो फलाना बाबरी मस्जिद, जय श्री राम करवाएगा, हिंदू मुसलमान में दंगा करवाएगा, बताइए आप लोगों को उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि यही प्लेटफॉर्म है डीएसएस का, धर्म निरपेक्ष सेवक संघ का, जो आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना है, और 2019 में भी आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना है। अभी से आप लोग तैयार हो जाए, देखिए सब जगह फैल रहा है धीरे धीरे, बिहार में हम किसी भी तरीके का दंगा फसाद फैलने नहीं देंगे। हाँ तुम्हारे में हिम्मत तो हम तुमको, मोहन भागवती, हम तुमको चैलेंज करते हैं, मीडिया के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं उसी रथ पर, वो जो सामने जो रथ है उसी पर चढ़कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपके छाती पर चढ़ेंगे, उसी हम आपको खुला चैलेंज करते हैं।
करते हैं। सुशील मोदी जी बोल रहे थे कि आरएसएस को ट्रेनिंग लेना चाहिए। सुशील मोदी जी बोल रहे हैं आरएसएस से ट्रेनिंग लेना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए डीएसएस से। आप जिस तरीके का, हम आपको पिता तुल्य मानते हैं, हम आपको चचा समान मानते हैं, हम आपके भतीजे हैं, उम्र में भी हम आपसे छोटे हैं, और इस तरीके का प्रहार करते हैं आप, कटाक्ष करते हैं, परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं आप। हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं आप, आपकी बुद्धि फेल हो चुकी है। आप आकर के डीएसएस में ज्वाइन कीजिए, आज ही आइए, आपको सम्मानित करेंगे हम डीएसएस में, माला पहनाएंगे आपको। डीएसएस को ज्वाइन कीजिए आप, असद बुद्धि लीजिए डीएसएस से। डीएसएस किसी को तोड़ता नहीं है, डीएसएस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करने वाला डीएसएस है। एक मुद्दा उठाएंगे, जय श्री राम करेंगे, उसी पे वो सिनेमा बन गया, परजानिया करके वो सिनेमा है, उसमें पूरा दिखाया खुलेआम जय श्री राम कर रहा है, मुसलमान का गला काट रहा है, सिख का काट रहा है, ईसाई का काट रहा है। जो सच्चाई आप लोग को बता रहा है, इस सच्चाई से सब लोगों को अवगत होना चाहिए। आप मीडिया के भाई लोग से भी अनुरोध है कि सच्चा सच्चा खबर छापिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का खबर छापिए। सारे लोग को लेकर के चलना है। मोदी जी बोलते हैं 2020 में हिंदू राष्ट्र बना देंगे, इतना मुमकिन है? मोदी जी खाली अपना जेब गरम करेंगे या मार्केटिंग करेंगे जगह जगह पर जा करके? जितना बीजेपी में आया उनके संगठन में जितने लोग भरे पड़े हैं, सब उद्योगपति, गौ का सच्चा हितैषी बने हुए हैं। अरे गौ के तो सच्चा हितैषी हम हैं, हम लोग यादव लोग हैं, गौ के सच्चा हितैषी हम लोग के कृष्ण भगवान वृंदावन और गोकुल में कई एक लाख गाय चढ़ाते थे, मुरली वादन करते थे। अब मोदी जी बोलते हैं कि मुरली बजाता है, जिलेबी छानता है, आप मुरली बजा दीजिएगा? है ताकत मुरली बजाने के लिए? हरि यारा नमा, कृष्ण यादवाय नमा, यादवाय माधवाय केशवाय नमा। देश को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, घिनौना अंतर करते हैं। आप लोग भूल गए हैं, आप में ताकत नहीं है, डरपोक है। हम आपको प्री प्लान चैलेंज करते हैं, और उसी रथ के माध्यम से, वो रथ हर एक जगह मेरा बॉर्डर पर आएगा। जिस तरीके से आप देखिएगा सीमांचल में जो पूरा आरएसएस वाला जितना जो घुसने का काम कर रहा है, सब आरएसएस वाला, यही रथ पे सब बीएसएस के लोग, धर्मगुरु लोग बैठ करके उसको रोकने का काम करेगा। हम किसी भी तरीके का बवेला खड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपने बिहार की मिट्टी पे किसी तरीके का दंगा फसाद नहीं होने देंगे। जो करना है चाहे कर ले, हम अपनी पूरी फौज के साथ और डीएसएस के फौज के साथ, धर्मनिरपेक्ष की फौज के साथ पूरी तरीके से मुस्तैदी रहेंगे और आप लोग का रक्षा करेंगे। फालतू का काम ये सब करते हैं, कोई काम नहीं रह गया। मार्केटिंग करना है हम लोग के ऊपर, मोदी जी सुशील मोदी जी कमेंट करके अपना पापड़ बेल लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, छप जाता है उनका फोटो, किसको तो भतीजे को पकड़े। हमसे ज्यादा आपका फॉलोवर है क्या सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे छात्र नौजवान सबको क्या क्या सब कर रहा है? मोदी जी को
उन्हीं के संगठन में उन लोग को कोई पूछ नहीं रहा है, इसीलिए पगलाए हुए हैं। बोकार पढ़ पढ़ कर रोवत रहे आइए पहनिए आप भी फुल पैंट। हाफ पैंट कब ले पहनिएगा, फुल पैंट पहनिए। अब भतीजा जो बनाया है डीएसएस में ज्वाइन कीजिए आप। सब लोग धर्म के जितने भी तमाम जितने गुरु यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग ने बहुत अच्छा अच्छा बात कहा। धर्म के बारे में बोला, भारत माँ के चार पुत्र हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा कि माँ के सामने बेटा आपस में लड़के मरेगा तो माँ जिंदा रहेगी क्या? इसको किसी भी तरीके से समाजवादी जितने भी शक्तियां जितने भी बीजेपी आने से जितने फैलाने का काम कर रहा है, आज हाथ उठाइए सब लोग यहाँ पे, हाथ उठाइए जितने यहाँ नौजवान बैठे हैं, आज शपथ लीजिए कि आरएसएस को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पूरी तरीके से और पूरा ज्ञान से आप लोगों को पहले लैस होना होगा, ऐसा ही हमला नहीं करना है, पहले उसकी रणनीति बनाई जाएगी। जगह जगह पे हमने बोला कि स्कूल डीएसएस सब खुलेगा, ट्रेनिंग कैंप चलेगा। आज जितने सेना में जैसे रिटायर्ड जितने अधिकारी होंगे उन लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाएगा, वो सब परेड कराएंगे, पीटी कराएंगे, मार्गदर्शन देंगे, डीएसएस को फैलाया जाएगा। किसी भी आपदा में डीएसएस मदद करेगा, चाहे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, या किसी भी आपदा जो रहेगा, सब जगह डीएसएस का एक ही काम नहीं रहेगा, वो हर एक चीज से आपको मदद करेगा डीएसएस। इस तरीके का हिंदुस्तान में कोई संगठन नहीं पैदा हुआ था जिसको हम लोगों ने बनाने का काम किया। पीछे से हट जाइए ना, तो और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और तमाम जितना जनता लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों ने उधर से अपने अपने एरिया से अपने अपने माध्यम से गाड़ी से बस से ट्रेन से जितने लोग चल के आए हैं, सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ तमाम लोगों। अब इसी तरीके से एक कार्यक्रम और अपना क्षेत्र में भी होगा वैशाली में डीएसएस का, उधर से चालू, अब यहाँ से पूरा अब चालू हो जाएगा डीएसएस का कार्यक्रम, अब पूरा बिहार में डीएसएस को फैलाना। अरे कह तो दिया कि पूरा बिहार में फैलेगा, पूरा बिहार तो पूरा आपका नालंदा भी उसी में ना आ गया जी। अरे सब जगह से हो रहा है, तो यहाँ से शुरुआत हो गया, पटना प्रधान ना है जी, यही ना सब आरएसएस वाला भाजपा वाला ज्यादा भरा हुआ है, यहाँ से भैया जिंदाबाद, डीएसएस जिंदाबाद, बोलो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, यहाँ के पूरे संगठन में जैसे सब लोग जुड़े हैं और इस संगठन को सफल बनाने के लिए जो जो लोग यहाँ पे योगदान दिए, जैसे आकाश जी हैं, फिर से आरती चलते हैं सोनू जी हैं, फिर से गौरव है, फिर से आपको विमलेश जी हो गए, प्रेरंजन जी हो गए, मन्नू है, मन्नू ले आया वो अपना अपना रथ बना के ले आया, घोड़ा वाला रथ लेकर के आया, आज डीजे भी ले आया उसी में, जिसमें सब धर्म का उसमें छच्छा हो रहा था, गाना बज रहा था उसी में, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में करके बज रहा था पूरा गाना, बहुत बढ़िया। ये है गौरव है, तमाम लोग है यहाँ पे उपस्थित, ओम प्रकाश जी पूरा रात दिन लगे रहे
फिर से हम लोग वहाँ पे समय समय पर चर्चा भी कर रहे थे और पूरी टीम थी, अब महिलाओं की भी टीम थी, मिट्टू कुमारी है, आज सुलेखा यादव, ये लोग सब तमाम लोग जितने महिला लोग भी लोग भी एकजुट हो रही है, सब लोग सब तमाम लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। इसी तरीके से सारे लोगों को जोड़ना है और डीएसएस को आगे बढ़ाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब आप देखिएगा सबका खून अलग अलग है क्या? यहाँ पे सबका खून लाल, हम काटेंगे यहाँ ब्लेड से, हम मुसलमान भाई काटेगा तो हरा या नीला गिरेगा क्या, या पीला गिरेगा, लाले ना गिरेगा, जब एक खून है और एक घर में रहते हैं तब लड़ाई झगड़ा का बात क्यों करते हैं? तो ऐसी सत्या, जिस तरीके के सत्या हिंदुस्तान में फैल रही है, उससे जागरूक हो जाना है आप लोगों को। अभी अगर नहीं संभालिएगा फिर वही होगा, यहां भी उसी तरीके से वो लोग दंगा फसाद कराने का काम करेगा, फिर कौन नहीं रोक पाएगा। इसलिए अभी आप लोगों को समझना होगा, ये आप लोगों को प्लेटफॉर्म है डीएसएस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीएसएस से जोड़ने का काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बनाने का काम कीजिए। आप बड़ा बड़ा लोग कुर्ता पजामा पहन के आप बंडी उंडी सिलवा के आ जाता है कि हम डीएसएस से जुड़ेंगे, अरे पहले डीएसएस का भावना समझो, उसका मिशन समझो, उसका आइडियोलॉजी क्या है, उसका क्या काम है, क्या मकसद है, कैसे काम करना है, कैसे लोगों को जुड़ना है। तमाम जितने भी आसुरी शक्ति जो लगी हुई है, दानवों की शक्ति, अभी वो दानव यूपी में बैठे हुए हैं, वहां भी यूपी से भी कई एक जगह लखनऊ से फोन आया, एक लड़का प्रदीप यादव बोला कि लखनऊ से बोल रहे हैं, बोले बताइए क्या काम, बोला डीएसएस को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं, बोले ठीक है, पहले हम आपको पूछ लेते हैं आपके पास कोई केस मुकदमा तो नहीं है या किसी भी तरीके का आपके ऊपर आरोप नहीं है, तब आपको बनाएंगे, पहले देखेंगे आपको हम, टटोलेंगे हम, दूध में घी कैसे देखा जाता है, उसको टटोला जाता है तब पता चलता है कि उसमें घी है, पहले उसको देखने का हम काम करेंगे। ऐसा ही कोई डीएसएस में थोड़े जुड़ जाएगा, उसको टटोला जाएगा, उसका क्लास लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा उसका, वैसे लोगों को डीएसएस से जुड़ने का काम करना। तो कहीं ना कहीं लोग में बैठा हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है और आप लोग का प्रेस और इतना गर्मी में भी आप लोग बैठे रहे बहुत ही इस तरीके का समायोजन होता है। आप लोगों को बहुत बहुत मेरे तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत देते हैं और इसी चंद सब लोगों के साथ धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, जिंदाबाद, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं जितने नौजवान, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद युवा मुकेश अध्यक्ष भाई को, मुकेश भैया को, मुकेश भैया बहुत धन्यवाद। आज के सभा के हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष सेवक संघ के सदस्य माननीय प्रताप यादव।